नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से घर पे जो है बिस्किट का यूज़ करके बेसिक केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने जो है ब्रिटानिया का मेरी गोल्ड बिस्किट जो आता है, जो चाय के साथ खाने के लिए आता है, तो वो उसका यूज़ करके हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक 250 ग्राम का मेरी गोल्ड बिस्किट ले लिया है, और इसके अलावा हमने बेकिंग पाउडर, चीनी ली है पिसा हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो बिस्किट होते हैं वो फीके होते हैं, तो हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे घी लिया है थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए। यहाँ पे मैदा लिया है, वो बर्तन जो होता है उसमें हम लगा देंगे आफ्टर घी का ग्रीसिंग करके, जिससे कि केक जो है पकने के बाद, बेक होने के बाद आसानी से निकल जाए। इसके अलावा हमने ड्राई फ्रूट लिया है, इलायची पाउडर, और ये टॉपिंग्स है कुछ। हम उसमें अपना जो बैटर बनाएंगे उसमें मिक्स करेंगे अलग अलग टाइप के फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे हमने दूध लिया है, और ये कप में हमने 240 ml जितना दूध लिया है, एक कप 1.5 कप जितना दूध है। और पर अपने हम जो बेटर बनाएंगे तो उसके हिसाब से दूध डालेंगे, तो थोड़ा बच भी सकता है और या तो ज़्यादा भी ऐड करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक मोल्ड हमने लिया है केक को अंदर बनाने के लिए, इसमें बेटर डाल देंगे। और यहाँ पे एक ये जाली स्टैंड लिया है, क्योंकि हम ये कुकर के अंदर जो है वो जाली स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर ये मोल्ड रखेंगे। और यहाँ पे हमने नमक लिया है, तो ये नमक हमने 5-6 बार यूज़ किया हुआ है, वैसे ही सफ़ेद ही होता है, पर मतलब एक बार आप पकाओगे तो ये काला हो जाएगा। तो ये नमक हमने लिया है, तो नमक हम बिछा देंगे, तो हमको जो है माइक्रोवेव ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुकर का यूज़ करके ही हम केक, बिस्किट, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, या तो नान खटाई है। तो चलिए अब प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है बिस्किट देखते हैं इसमें कितने बिस्किट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बिस्किट है। तो इसको जो है छोटा छोटा काट लेते हैं, जिससे कि इनको पीसने में थोड़ी आसानी है। और हम 16 बिस्किट दे देते हैं, 32 बिस्किट हो गए। तो यहाँ पे जो है हम टोटल 32 बिस्किट का ही बनाएंगे, कि हमारे पास मोल्ड जो है केक का वो छोटा है, तो केक जो है वो नहीं तो फूलने के बाद बाहर निकल जाएगा, इससे ज़्यादा ही इसमें मुझे नहीं डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा केक का मोल्ड है तो आप तो सभी बिस्किट का केक बना सकते हैं।
जो है थोड़ा करके हम मिक्सचर के अंदर डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसका हमारी पाउडर हो चुका है। इसमें हम
धीरे करके, जो कोई टुकड़ा बच गया वो छान लेंगे। तो ऑलमोस्ट ये पाउडर जो है हमारा बैटर बनाने के लिए तैयार है। ये हमारा जो पाउडर है आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से बन चुका है। इसको जो है हम इसको डाल देते हैं। इसके अंदर जो है इलायची का पाउडर डाल देते हैं, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बेकिंग पाउडर है वो भी हम डाल देते हैं, चीनी पिसा हुआ, ड्राई फ्रूट्स जो हुआ है काट के रखे थे वो सब डाल देते हैं। जो है इसके अंदर हम धीरे धीरे दूध डालेंगे। पहले हमने बिस्किट का पाउडर किया है और अब डिप डाल के फिर से बिस्किट जैसा ही हम बना रहे हैं। देख सकते हैं कि इसमें अभी और ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 240 ml लिया था, सब डाल दिया है। तो देखते हैं कि अभी और कितना डालना पड़ेगा। इसको जो है सेमी थिक बनाएंगे बैटर को। देख सकते हैं कि भी और उसमें भी की आवश्यकता है।
जो है हम थोड़ा सही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, चेक करेंगे कि ज़रूरत है तो डालेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है कुकर के अंदर हमने नमक डाल दिया और इसको जो है 10 मिनट तक इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये एकदम से प्री हो जाए। और बेकिंग करने के लिए हमारा जो कुकर है, ये नमक है, वो रेडी हो जाए और तब तक ये हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत ही हार्ड है, इसमें थोड़ा सा ये डाल देते हैं। ये बैटर जो है ऑलमोस्ट रेडी है, तो थोड़ी देर हम कुकर को 5 मिनट 10 मिनट तक गर्म और कर लेंगे, फिर इसको ये मोड के अंदर डालेंगे। इसको ग्रीस कर लेते हैं पहले, बाजार में अलग अलग शेप में इस तरह के केक के मोल्ड मिलते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई भी कटोरे में भी ये बना सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये जो है हमने लिया है, 100 रुपये का आया था, आप भी देख लीजिए आपके आस पास में कहीं मिलता हो तो ले लीजिए, 50 से 100 रुपये के आस पास ही आते हैं। अगर तो ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तरह से जो है आपको ये एक मैदा लगा देंगे तो आपको बटर पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो है सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, ये बेटर को हम एनवेल के अंदर से डाल देंगे।
हो सके तो एकदम मिडिल में डालिए जिससे कि वो फैल जाए पूरा। जो है थोड़ा सा टेप कर दें इसे, ये जो है कुकर के अंदर रखने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो हमने अच्छे से कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए क्रिकेट मेरे की चॉकलेट्स हैं उसके पीसेस जो है वो डाल सकते हैं। तो आपका जो भी कुछ आपका आइडिया और अलग अलग चॉकलेट के रिलेटेड आप कर सकते हैं, इस तरह का चोको चिप्स है उसका आप डाल दीजिए इसे। ये जो है एक्चुअली वो पिघल जाएंगे और इससे थोड़ा सा डिज़ाइन भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा फ्लेवर भी बनेगा। आप चाहे तो ये कर सकते हैं और इसके बाद ऊपर से भी आप डाल सकते हैं पूरा केक बेक होने के बाद। यहाँ पे जो है हमारा मोल्ड जो है उसको हम कुकर के अंदर रखेंगे। कुकर को जो है हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सावधानी से खोलेंगे। सबसे पहले जाली स्टैंड खोल रखेंगे, सफाई सेट कर देंगे। ये जो है थोड़ा सा एकदम फिट टू फिट है साइज में, तो एकदम सावधानी से और थोड़ा सा ट्रिप करके हम इसके अंदर डालेंगे। एकदम धीरे से रख लेंगे, अगर तो थोड़ा आगे पीछे है तो हम इसको एकदम मिडिल में रख लेंगे जिससे कि चारों तरफ से हीट लगे इसको। और इसके बाद लगा देते हैं।
इसको हम चालू कर देते हैं। तो गैस को भी है हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है, जिसको हम 40 मिनट तक पकाएंगे। तो 40 मिनट के बाद हम एक बार देख लेंगे कि केक हमारी पक चुकी है। अगर नहीं पकी होगी तो 10-15 मिनट और पका लेंगे। 40 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो 40 मिनट हो गए हैं, तो इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। आराम से सावधानी से ये गर्म हो चुका है, इसको हम खोल लेते हैं। चाकू लेते हैं, देख लेते हैं चाकू जो है साफ निकल रहा है। एकदम सावधानी से आराम से इसको हमें बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ बड़ा हाथ ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो केक है वो ऑलमोस्ट बेक हो चुकी है। यहाँ पे आप चाकू डाल के ऐसे चेक कर सकते हैं, ये साफ निकल रहा है, इसका मतलब यही है ये पक चुकी है। तो थोड़ी देर के बाद ठंडी होने के बाद इसको निकाल के एक सर्विंग प्लेट पे रखेंगे और उसको थोड़ा सा गार्निश में सजावट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो निकाल लिया है और प्लेट में रख लिया है। तो बेसिकली एक्चुअली थोड़ा सा फूला नहीं है क्योंकि थोड़ा सा सोडा बेकिंग पाउडर जो है वो कम हमने डाला था। तो आप जो है आधी पौनी चम्मच ज़्यादा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए तो अच्छे से वो फूलेगा। यहाँ पर जो है इस टाइप का जो चॉकलेट सॉस आता है वो डाल के थोड़ा सा हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। उसमें तो आप क्रिएटिविटी जैसी है उस तरीके का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये भी चूँकि गर्म है, ठंडा होने के बाद ये सब डालिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें से जो है हम एक पीस निकाल के थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक जो है ऐसे पक चुका है, पर थोड़ा सा फूला नहीं है, बाकी सॉफ्टी है, अभी बहुत ही गर्म है, हाथ में ले नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट है, तो टेस्ट में भी अच्छा ही होगा क्योंकि हमने चीनी भी अच्छे से डाली है और इसमें ड्राई फ्रूट भी बहुत डाले हैं और चोको चिप्स भी डाले हैं, तो टेस्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये केक जो है कभी भी बना सकते हैं और इसमें हमने ना ही ओवन का यूज़ किया, ना ही एग का यूज़ किया, कंडेंस मिल्क का यूज़ किया, ना ही कोई घी ऐसा कोई चीज़ यूज़ किया। तो एकदम ये लाइट वेट है, हेल्थ के लिए बढ़िया है, बच्चे भी खा सकते हैं, टिफिन बॉक्स में आप बच्चों को दे सकते हैं, दिवाली पे दशहरे पे खा सकते हैं, जन्माष्टमी पर खा सकते हैं, कोई भी त्यौहार पर बना के खा सकते हैं, वीकेंड पर या पिकनिक पर जाओ तब भी खा सकते हैं, बर्थडे के अंदर भी ये केक बना के आप खा सकते हैं। केक खाइए और चैन पानी लीजिए।